उत्तर प्रदेश की हरदोई में खाकी एक बार फिर बदनाम हो गई। लापता महिला की रिपोर्ट लिखने के नाम पर दरोगा पर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि आरोप है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के थाना मलावा के क्षेत्र में 15 दिन पूर्व तांत्रिक से इलाज कराने के बहाने पड़ोस की एक महिला इस महिला को लेकर लापता हो गई। इसके बाद से उसका आज तक कुछ पता नहीं चला है। बता दें कि पति और उसके दो बच्चे न्याय पाने की गुहार लगाते हुए SP की चौकट पर पहुंचे। मुकदमा लिखे जाने के लिए थाने में 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। लापता महिला के परिजनों ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल ग्राम को जांच सौंप दी है। आपको बता दें कि ग्राम चांदीपुरवा मजरा शाहपुर पवार निवासी प्रभु रैदास ने SP को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि 3 सितंबर को उसकी पत्नी किरण देवी को गाँव की ही एक महिला तांत्रिक के पास ले गई थी, जिसके बाद से उसका आज तक कुछ पता नहीं है। जिस महिला के साथ वह गई थी उससे पूछताछ की गई है, लेकिन उसने अभी तक फिलहाल कुछ नहीं बताया है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि आरोप है कि मुकदमा लिखने के लिए कोतवाली में सिपाही ने 25,000 रुपये की मांग की, आनाकानी की तो सिपाही ने गाली गलौज कर उन्हें भगा दिया। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की विशेष रिपोर्ट। क्या मामला है? कैसे प्रेमवती मम्मी को लेके गए, कहने लगे चलो तबीयत खराब है, वहाँ से मम्मी को गायब कर दिया। कहने लगे कि अब तुम्हारी मम्मी नहीं, पापा के पास फोन किया कि आपकी पत्नी कहीं भटक गई है। कितने दिन हो गए? आज से 16 दिन हो गए। कहाँ लेके गई थी और किसके पास गई थी? तकदीर बाबा के पास गई थी गद्दी पे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, रास्ता में ही कहती थी आपकी पत्नी गायब हो गई कहीं। क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी देवी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।